दोस्तों डेली प्रटिक्शन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सेवनटीन्थ ऑफ मार्च की एनर्जी किस तरह की होने वाली है यानी कल की एनर्जी किस तरह की होने वाली है आज की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है जब आपको वक्त मिले तो जरूर देखें और आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द वीडियोज इन मल्टीपल पार्ट्स में वीडियोज को थ्री पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूं जहां पे uh, पहला मैसेज जो है वो जर्नरल मैसेज है uh, सबके लिए इंडिया और वर्ल्ड के लिए अलग वीडियो में डाल रही हूं और द um, मैसेज जो ऑरखल से है और uh, जो uh, चाम से है वो अलग में डाल रही हूँ दैट यू गाई इट इज ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियोज अपने टाइम के हिसाब से uh, छोटी छोटी वीडियोज हैं क्लिप्स जो है वो आप आराम से देख पाए सो आई होप दैट दैट इज वर्किंग फाइन विद यू और वो इस वीडियो में भी ऐसा ये होगा सो लेट्स यू सी वॉट इज द एनर्जी ऑफ सेवनटीन ऑफ मार्च क्या होने वाला है सेवनटीन्थ ऑफ मार्च को एंड हाउ विल दिस एनर्जी फ्लो विद ऑल ऑफ आस ओके पर्सनल देन इंडिया एंड वर्ल्ड एंड देन एक्ल मैसेज एंड लेट्स

जिसके पास मनी एनर्जी है जिसके पास पावर है जिसके पास अथॉरिटी है उसको पता है कहाँ पे स्मोक क्रिएट करना है उसको पता है कहाँ पे नॉलेज यूज करनी है उसको पता है कहाँ पे फायर यूज़ करनी है यू सी आपको सारे एलिमेंट्स इसमें कवर जो है वो दिखाई दे रहे हैं दैट इज द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल समी इन अथॉरिटी समबड़ी इन पावर और uh, इंडिया के लिए जब ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है एक मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग uh, होने की एनर्जी है बिकॉज किंग्स आर यूजली किंग ऑफ पेंटिकल्स आर स्ट्रांग इंडिया और ज्यादा ग्राउंडेड हो सकता है अपनी जो पकड़ है उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर सकता है एंड दिस सेज वी हैव नो मोर राइट टू कंज्यूम हैप्पीनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग इट देन टू कंज्यूम

now here three of ones telescope looking to the towards the future with lot of light in the hands um page of swords uh, army uh of officers um uh, पीपल बिकमिंग प्रिपेयर और यहाँ पे हॉट वॉटर हॉट बलून है हॉट एयर बलून और दिस पर्सन इज प्रिपेयर टू गेट इन टू दैट बलून स्ट्रेंथ दैट इज पावर एंड दैट इज ऑल्सो हीलिंग सो दिस इज अ स्ट्रेंथ टू हील समबडी हु इज बिन इंटू एन इशू और प्रॉब्लम एंड सेवन ऑफ कप्स लॉड ऑफ थिंग्स टू एड्रेस लॉर्ड ऑफ थिंग्स अराउंड लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स अराउंड नाउ पिकिंग अप वन एट अ टाइम दैट इज द एनर्जी दैट आई फील सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया फ्यूचर की तरफ देख रहा है वाटर रिलेटेड या शिप से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड जो है वो कोई एक्शन हो सकता है नेवी और एयरफोर्स दो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे दिस इज नेवी दिस इज एयरफोर्स इन दोनों से रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकते हैं दूसरा uh, मुझे ऐसा लगता है कि सम्बड़ी कोई कंट्री कोई ऐसा सिचुएशन um, कोई ऐसी चीज um, ये कश्मीर से रिलेटेड भी हो सकता सम्बडी हु इज राइट एंड वो उस वूंट को ठीक करने की कोशिश की जा रही है दो देर आर मेनी मेनी ब्लॉकेजेस मनी मनी ड्रीम्स मैनी मनी थॉट अराउंडेड बट आई डू फील दैट 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 विल भी डन एंड रिसोर्स जो है वो यूज किए जाएंगे इन द राइट वे टू सेट द थिंग्स राइट टू यूज द स्ट्रेंथ इन राइट प्लेसेस एंड टू सेट ऑल द इल्यूजन्स राइट सो इंडिया के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इल्यूजन की एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस um, करने के लिए बहुत स्ट्रांग स्टेप जो है वो लिए जा सकते हैं किंग ऑफ कप्स एंड डेथ ना वन दर इज एन एंडिंग टू समथिंग देर इज एन एंडिंग टू समथिंग क्योंकि डेथ कार्ड जो है वो परसों भी एनर्जी में आया था और दिस इज समरी फुल स्ट्रांग बट इमोशनली ड्रिवेन राइट एंड इसके ऊपर आप देखो कि टेलीस्कोप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है दूरबीन सब जगह पे ही है यहाँ पे है वहाँ पे है यहाँ पे भी है किंग ऑफ कप्स दूरदर्शी है उसको पता है कैसे फ्यूचर uh, तक जाना है आगे तक जाना है यू सी देट एनर्जी सिगार है एक हाथ में और ग्लास है एक हाथ में और इफ यू सी देर इज अ डेथ एनर्जी जहां पे कोई Um uh, somebody is paying uh लास्ट राइट्स टू समबड़ी वो उसके ग्रेव पे फ्लावर्स रख रहा है और डेथ एनर्जी जो है वो आगे मूव कर रही है पीछे देखते हुए विथ लिटिल सैडनेस राइट सो मुझे ऐसा लगता है दैट अगर आज कॉम्प्रोमाइज़ जो मैंने बोला कि आज मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी लग रही है अगर आज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या आज अगर थोड़ा सा सेटअप हो जाता है तो फॉर अ वाइल्ड डेथ विल मूव अवे किंग ऑफ कप्स जो है वो उसका मैं डेफिनेटली यहाँ से भी बताऊँगी आपको लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ वाइल्ड डेथ के अंदर move away this says mm, affliction comes to us not

हो जाता है या कोई सेटअप हो जाता है कोई बात हो जाती है तो देर इज डेफिनेटली टेम्परेरी पीस तो मुझे दिखाई दे रहा है मुझे मैंने कल भी बोला था क्योंकि अप्रैल का महीना फिर से कुछ अलग तरह का है बट डेली बेसिस पे मैं ये बोल रही हूं कि uh, कुछ टेम्परेरी पीस मुझे दिखाई देता है या फिर समबडी माइट विजिट टू ब्रिंग इन दैट टेम्परेरी पीस एक कार्ड और निकाल लेते हैं फॉर सिचुएशन जस्टिस वाओ ब्यूटिफुल कार्ड एंड हैंग्ड मैन सी सो दैट इज वट आई एम दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे कुछ बैलेंस आ जाए यहां पे डायमंड्स हैं लेकिन एक फेदर ने इसको बैलेंस कर दिया है स्केल को और सारे पुराने पिक्चर्स जो है वो गिर रहे हैं देर आर टेरो विच आर फॉलिंग और ये ही जस्टिस की एनर्जी है कि जो पुरानी पिक्चर्स हैं जो पुरानी चीजें हैं वो गिर रही हैं एक अच्छी चीज़ जो है वो सारे मनी को सारी दूसरी सिचुएशन को बैलेंस कर सकती है एक एंजलिक स्टेप जो है सारी सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है बट हैंगड मैन है दैट मीन्स दैट वन एक कैप्टिविटी की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है एंड सेकेंड नॉट लॉन्ग लास्टिंग राइट right? कोई किसी को आप ऐसे हैंग कर दो बहुत समय तक नहीं रह सकता सो इट इज लाइक दैट अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ स्टक एनर्जी लिटिल बिट ऑफ एनर्जी जहाँ पे राइट uh, डिसीजन right अगर लिया गया तो थोड़े टाइम के लिए एक पीस um, एक की सिचुएशन जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है हाई पॉसिबिलिटी ऑफ इट और अगर uh, नहीं तो दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक कैप्टिविटी एंड दिस लुक्स लाइक दैट डिविजन ऑफ द वर्ल्ड इन टू पार्ट्स एक जो मनी ड्रिवेन पावर ड्रिवेन है पावर हंग्री हैं एंड दूसरे जो एक्चुअली सही एनर्जी लाना चाहते हैं जो राइट एनर्जी और एंजुल एनर्जी से ड्रिवेन है एक जो अपने अपने इमोशंस से और अपनी पावर से ड्रिवेन है एक जो रियलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ड्रिवेन है तो दो पार्ट हैं और बहुत स्ट्रांगली डिवाइड हो चुके हैं बहुत स्ट्रांगली डिवाइड हो चुके हैं द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज नाउ इज दैट डू both of them come in peace with each other or they kind of get into a further fight with each other तो so, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है सो इंडिया और वर्ल्ड एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं और सेवनटीन को भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है um, and अगर वीडियो अच्छी लगे तो please like कीजिए सबके साथ शेयर कीजिए और मैं next वीडियो में और एक्ल मैसेज और चांस जो है वो निकालूंगी uh, तो thank you so much and प्लीज़ सारी वीडियोज़ जो जरूर है जरूर देखिए